Hey Siri, play my song. Hey guys, welcome back to Discovering Nearby. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे क्यूट और सबसे अलग सी इनोवेशन एप्पल की जो थी, दैट इज एयरपॉड्स. जो सबसे ज्यादा बिकने वाला डिवाइस जो एप्पल का है, दैट इज आईफोन. और आईफोन को लेते ही लोग जो दो चीजें वो लेना पसंद करते हैं, दैट इज एप्पल वॉच और एयरपॉड्स. तो आज मैं बात करूंगा एयरपॉड्स के बारे में. बैक इन 2016 जब आईफोन 7 सीरीज आई और मैंने वो परचेज करी थी, वैसे जब वो लॉन्च हुई थी, तो उनमें उन्होंने 3.5 mm जो हेडफोन जैक था वो रिमूव कर लिया था. उसका मतलब ये नहीं था कि आप उसके अंदर ईयरफोन्स यूज नहीं कर सकते थे. उन्होंने उसके साथ ईयरफोन्स प्रोवाइड किए थे जिसमें लाइटनिंग कनेक्टर था, और एक कनेक्टर भी प्रोवाइड किया था जिससे आप अपना 3.5 mm वाले हेडफोन्स उसके साथ कनेक्ट कर सके. फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उन्होंने वो कनेक्टर रिमूव किया, और जैसे अब आपको पता है उन्होंने अडैप्टर और ईयरफोन्स दोनों को रिमूव कर लिया है. चलो खैर, छोड़िए उसके बारे में. तो आज बात करते हैं एयरपॉड्स के बारे में, और क्या आपको 2021 में लेने चाहिए या नहीं. तो वैसे एक शॉर्ट आंसर है कि हाँ, आपको लेने चाहिए, क्योंकि ये वर्थ है जितना भी आप इसमें पैसा स्पेंड करते हो. अगर ये 15,000 के अराउंड आपको मिल रहे हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी ईयरफोन्स हैं. और ये एयरपॉड्स छोटे से क्यूट से बॉक्स में आते हैं जिसके फ्रंट में आपको एयरपॉड्स बने हुए दिख जाएंगे, साइड में आपको एप्पल लोगो बना हुआ दिख जाएगा, और एक साइड पर आपको एयरपॉड्स लिखा मिलेगा. और एक साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन, और नीचे की तरफ आपको ये केस चार्जिंग का इंडिकेशन सा बना हुआ दिखेगा बॉक्स के ऊपर. वैसे तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग बहुत पहले ही कर ली थी, बट ये जैसे एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाने के लिए अनबॉक्सिंग का. और बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स और आपके एयरपॉड्स. वैसे तो एक ये प्लास्टिक में रैप आते हैं, बट ये उस समय मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था जब मैंने एक्चुअल अनबॉक्सिंग की थी. ये जस्ट मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ. अब बात करता हूँ इसके कुछ अच्छाइयों के बारे में और थोड़ी सी बुराइयों के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी ईयरफोन्स लेने के लिए जाओगे ब्लूटूथ, तो कुछ चीजें आप कंसीडर करोगे, जिसमें फर्स्ट है उसकी साउंड क्वालिटी. और अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो ये बेस्ट साउंडिंग ईयरफोन्स है. ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा हैवी बेस है कि आपको बहुत ज्यादा धमक सुनाई देगी, ऐसा नहीं है. क्योंकि धमक वाले या हैवी बेस वाले ईयरफोन्स आप कुछ टाइम के लिए सुन सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं. लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है. उस साउंड को आप जितना चाहें उतना टाइम के लिए सुन सकते हैं. ये इसका सबसे पॉजिटिव फैक्टर लगता है मुझे. इस तरीके के सिमिलर लुकिंग आपको 5-6 हज़ार के भी ईयरफोन्स मिल जाते हैं, बट उनकी क्वालिटी इसके नजदीक नहीं आ सकती. इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेटर है उनसे. इनको सुनते ही आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा साउंड करते हैं. जो इसके रेगुलर ईयरफोन्स हैं उससे भी थोड़ा ज्यादा लाउड साउंड करते हैं, और उससे भी बेटर साउंड करते हैं. तो ये ज्यादा अच्छे से आप बढ़िया इसके अंदर फिट हो जाते हैं. ब्लूटूथ ईयरफोन्स एक वायर्ड ईयरफोन से ज्यादा बेटर साउंड करते हैं. जो नेक्स्ट थिंग है, अगर आप कोई भी ईयरफोन लेने जाओगे, दैट विल बी वो कितने कंफर्टेबल है पहनने के लिए. तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने के लिए. आप इसे जितना चाहे उतना टाइम तक वेयर कर सकते हो. कई बार तो मैंने कानों में लगाते हुए सो गया हूँ, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं लगाकर भूल गया, जब मैं कपड़े चेंज कर लगा मैंने अपनी टी शर्ट रिमूव करी और वो नीचे गिर गए. तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने में. ये आसानी से आपके कानों में फिट हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस. और ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल, जितने मैंने यूज किया है उसमें तो सबसे कंफर्टेबल है ये पहनने में. इनके ईयरफोन्स रेगुलर भी कंफर्टेबल हैं, और ये जो एयरपॉड्स है ये भी बहुत कंफर्टेबल हैं. क्योंकि जो इन ईयर वाले होते हैं उन्हें आप ज्यादा देर के लिए नहीं पहन सकते, लेकिन इससे आप जितना चाहें उतने ड्यूरेशन के लिए पहन सकते हैं. वैसे तो ये एयरपॉड्स बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करेंगे रेगुलर ईयरफोन से तो ये उससे थोड़े बड़े हैं. तीसरी चीज आप कंसीडर करोगे किसी भी ईयरफोन्स के केस में, दैट विल बी पोर्टेबिलिटी. क्योंकि आप ईयरफोन्स को हर जगह कैरी करोगे, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप किसी कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे आपने गाने सुन रहे हो, और कुछ लोग तो वॉशरूम में भी यूज करते हैं. तो उसके हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया ईयरफोन्स है. इसे कैरी करना बहुत आसान है. ये केस किसी भी पॉकेट में फिट हो जाता है, और इवन आपकी जो जीन्स की सबसे छोटी पॉकेट होती है उसके अंदर भी आराम से फिट हो जाता है. ये भी इसकी वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, और ये बहुत ही अच्छा है इस मामले में. इसकी पोर्टेबिलिटी, ये बहुत ही पोर्टेबल है. जो फोर्थ थिंग आप
कंसीडर करोगे किसी भी ब्लूटूथ ईयरफोन्स में, दैट इज बैटरी लाइफ। तो इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, एक सिंगल चार्ज में ये जो ईयरफोन्स है ये 2 या 3 घंटे आप यूज कर सकते हो, और ये केस भी इसे 3 से 4 बार आराम से चार्ज कर देता है। तो ये आपको बहुत, अगर आप एक बहुत लॉन्ग ट्रिप पे भी जा रहे हो जैसे मैं पहले बहुत ट्रैवल करता था, तो ये उसमें मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है और आपको ज्यादातर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट थिंग आप कंसीडर करोगे किसी भी ब्लूटूथ ईयरफोन्स में कि वो कैसे कनेक्ट होते हैं। तो इसे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, आप अपने फोन के साथ में से लाके ओपन कीजिए और कनेक्ट को टाइप कीजिए और आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। आई गेस इसमें कोई W1 चिप आई थी जिसकी वजह से इनेबल हुआ था आईफोन 7 प्लस में, तो ये इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है और ये मेरे हिसाब से सबसे ईजी कनेक्ट होने वाले ईयरफोन्स है मार्केट के अंदर। इससे ईजी कोई भी ईयरफोन्स नहीं पेयर होते। और कनेक्ट होने के बाद आप फोन में ही देख सकते हैं कि कितनी बैटरी है एयरपॉड्स की और चार्जिंग केस की। और जो लास्ट थिंग आप एक ईयरफोन्स में चाहते हैं दैट इज माइक। तो कॉल पे बात करने के लिए, वीडियो कॉल्स करने के लिए, या सीरी को कमांड देने के लिए, या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसका माइक बहुत ही परफेक्ट साउंड करता है। आज तक मुझे किसी ने भी ये कंप्लेंट नहीं करी कि तुम्हारे पीछे से बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, ऐसा कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं आई। तो मेरे हिसाब से ये भी इसकी एक बेस्ट थिंग है। तो मैंने आपको बता दिया फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप अपने ईयरफोन्स को डिसाइड करते हो, दैट इज साउंड क्वालिटी, कंफर्ट, पोर्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी, बैटरी लाइफ, माइक। तो इन सब चीजों में ये टॉप करता है और इसको मैं दूंगा 9 out of 10। अब बात करता हूँ इसकी थोड़ी कमियों की। जो एक कमी मैंने ही महसूस करी है दैट इज कि इसके जो शेप है, वैसे तो मेरे कान में अच्छे से फिट हो जाते हैं, लेकिन कई बार जैसे मैं कभी ज्यादा इधर उधर हो जाऊं तो ये गिर जाते हैं। मेरे ब्रदर और मेरे वाइफ ने कभी ये इशू नोटिस नहीं किया, तो शायद अगर आप उनमें से हैं जिनके कान में ये अच्छे से फिट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी के अगर मेरे जैसे हैं तो मैंने क्या किया था, इसके साथ थोड़ा सा एक ईयर हुक्स आते हैं, मैंने वो यूज करना शुरू कर दिया था, उसके बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल एलिमिनेट हो गई थी। बाकी हाँ, 95% लोगों के कानों में ये आराम से फिट हो जाते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती। इवन मैंने अपने फ्रेंड्स को ट्राई करवाए हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, उनके कान में आसानी से बहुत अच्छे से फिट हो जाते थे। मेरे में थोड़ा बहुत रहता है जिससे गिरने का डर, मैं बोलता हूँ हल्का फुल्का रहता है। और जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज मैंने नोटिस किया है कि शुरू में इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इसकी बैटरी लाइफ बहुत पुअर हो चुकी है और ये बार बार डिस्कनेक्ट होता रहता है। पहले मैंने सोचा शायद मैंने आईफोन 11 पे अपग्रेड किया या आईफोन 12 पे अपग्रेड किया, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। मैंने आईफोन 7 प्लस के साथ से दोबारा यूज किया तो भी देखा मैंने ये डिस्कनेक्ट हो रहा था। हो सकता है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या इसकी बैटरी खराब हो गई हो, या फिर हो सकता है इनकी लाइफ इतने की हो, लेकिन मेरे हिसाब से यार 15,000 की ईयरफोन्स थोड़े से और चलने चाहिए थे। तो क्वेश्चन आता है कि आपको 2021 में ये लेने चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल लेने चाहिए, क्योंकि इससे अच्छे साउंड करने वाले इस रेंज में आपको ईयरफोन्स नहीं मिलेंगे और ये आपके एप्पल के डिवाइसेस के साथ लाइक बहुत अच्छे से सिंक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़े ईयरफोन्स एप्पल के लिए आपको नहीं मिलेंगे। ये एंड्रॉइड के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बट आपको ये सीरी के जो फंक्शंस है, जो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। बट हाँ, ये बहुत बढ़िया एयरफोन्स है। आप एयरपॉड्स प्रो भी ले सकते हो, बट पहले तो वो 25,000 के हैं, और दूसरी चीज उसकी जो शेप है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी ये है। मैंने वो यूज किए हैं लेकिन मेरे को ये ही ज्यादा कंफर्टेबल लगे। सो यस, 2021 में ये वर्थ बाइंग है और यही सबसे बढ़िया हेडफोन्स है या ब्लूटूथ ईयरफोन्स है आपके एप्पल मोबाइल के लिए। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको एप्पल की और वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आईफोन के बारे में देखने हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रैवल वीडियो या कैमरे की वीडियो देखने तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए कितने रीजन दे दिए मैंने आपको सब्सक्राइब करने के लिए, तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जितनी भी इनमें बैटरी बची है मैं थोड़े गाने सुन लेता हूँ। बाय बाय। हे सीरी, प्ले माय सॉन्ग।